चलिए बच्चों, अब एक बहुत ही छोटा और शानदार चैप्टर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं आईसो क्वेंट, आईक्यू। क्या पढ़ते हैं? देखिए, मैंने ना जब डिमांड का आईसी कराया होगा, मैंने बताया होगा कि ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ, ऑलमोस्ट बोलता हूं, मतलब कुछ तो चेंज मिलेगा। तो करें स्टार्ट। जय श्री राम, जय माता। जब आप आईक्यू करते हैं, यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। ये एक ऐसा कर्व है दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम, दो गुड्स जिनको आप मैक्सिमम आउटपुट के लिए यूज कर सकते हो। और यहां पर भी दो क्यों है? बिकॉज वी हैव ओनली टू एक्सिस, वाई एंड एक्स। मैं ग्राफिकली दो से ज्यादा नहीं बना सकता यहां पर। और आईक्यू के सारे पॉइंट्स सेम कॉम्बिनेशन देते हैं जो इक्वल भी होता है और मैक्सिमम भी, इसलिए इसको इंडिफरेंट कर्व भी बोल देते हैं। इसको भी शेप देखिए, ऑलमोस्ट सेम नहीं है? ए पॉइंट पे करें काम, बी पे करें, सी पे करें। और याद रखिएगा, आप एक्स एक्सिस पे लेंगे एल फॉर लेबर, वाई पे लेंगे के फॉर कैपिटल। ये तीन कॉम्बिनेशन आपको इस डायग्राम में दे रखे हैं, तीनों कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट कॉम्बिनेशन देकर चलते हैं। द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट एज टू विच कॉम्बिनेशन टू चूज, इसलिए इसका अदर नाम होता है इनडिफरेंस या फिर आइसो कोस्ट इनडिफरेंस कर्व। देन कम बच्चों इनडिफरेंस मैप या आईक्यू मैप। ये है फैमिली ऑफ आईक्यू। व्हेन मोर देन वन आईक्यू इज पुट टुगेदर इन सेम डायग्राम, इट इज नोन एज आईक्यू मैप और आईक्यू फैमिली। आईक्यू मैप और आईक्यू फैमिली। ये देखिए तीन है, आईक्यू वन, आईक्यू टू, आईक्यू थ्री, इसको बोलेंगे आईक्यू फैमिली। देन कम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जब आप इनडिफरेंस करते हैं, वहां पे एम आर एस आता है, यहां पे एम आर टी एस आता है। ये कहता है आपके दो इनपुट हैं लेबर और कैपिटल, बट फॉर इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ वन इनपुट वी नीड टू डिक्रीज द यूसेज ऑफ अदर इनपुट। लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल कम करना पड़ेगा, कैपिटल को बढ़ाने के लिए लेबर। यानी कि डिक्रीज इन यूसेज ऑफ वन इनपुट ड्यू टू इंक्रीज इन यूसेज ऑफ अदर इनपुट। फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन डेल्टा के बाय डेल्टा या फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, नॉर्मली आप इसको बोल सकते हो। अगर स्पेसिफिकली लेबर कैपिटल की फॉर्म में बोलोगे तो डेल्टा के बाय डेल्टा एल आएगा, जनरली इसको बोलोगे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आएगा। और इसका नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? क्या होता है? और डिक्रीजिंग बेसिस की शेप क्या होती है? हाइपोथेटिकल। फिर दो क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये शेप इंक्रीजिंग होती तो शेप क्या आती? कनकेव। अगर एम आर टी एस कॉन्स्टेंट होती तो क्या आती? स्ट्रेट लाइन। डन है बच्चे। अब प्रॉपर्टीज, पहले डायग्राम देख लो, सारी प्रॉपर्टी इसी पे बनेंगी। देख लिया आपने? पहला स्लोपिंग, रीजन क्या है? एम आर टी एस। कन्वेक्स, रीजन क्या है? डिक्रीजिंग एम आर टी एस। हाइयर आई क्यू इंप्लाइज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। टू आई क्यूज कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, आई क्यूज नीड नॉट टू बी पैरेलल, आई क्यूज कैन नॉट टच एनी एक्सिस, एंड ऑल पॉइंट ऑन सेम एम सी सेम आई क्यू प्रोवाइड इक्वल बोथ तो इक्वल। आईसी का मेन पॉइंट क्या? इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब इक्वल है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो मेन एप्रोप्रिएट आंसर क्या मेरा? इक्वल। आईसो कोस लाइन और बजट लाइन, ये आपका बताती है मैक्सिमम बजट कि कितना पैसा आप अपने दोनों इनपुट जो कि लेबर और कैपिटल है उन पर लगा सकते हैं। आईसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी परचेज यूजिंग गिवन लेवल ऑफ, दिख रहा है आपको? टिंग टिंग। ये बजट है, इसका स्लोप होगा पी एक्स बाय आईसी में भी सेम स्लोप था। इसमें मैं आपको पांच पॉइंट दिखाता हूं, चार पॉइंट ए बी सी डी। ए और बी बजट लाइन पर है, इनको बोलेंगे फुलर यूटिलाइजेशन एफिशियंसी। सी को बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन एफिशियंसी। और डी क्या होगा? डी क्या होगा? लाओ नाउ मेरा लास्ट टॉपिक बच्चों, इक्विलिब्रियम या प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर हैप्पी है, और प्रोड्यूसर हमेशा एक ही बात पे हैप्पी होता है या दो बातों में, इनपुट लगे मिनिमम आउटपुट हो जाए मैक्सिमम। ये कहता है आईक्यू शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ आईक्यू शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ, यानी कि एम आर टी एस शुड बी इक्वल टू पी एक्स बाय। ये तीन आपको कर्व दिख रहे हैं, आईक्यू बजट लाइन तो एक ही है। अब इन तीनों में से इक्विलिब्रियम किस पे आएगा?
यहां पर ई पर, क्यों? क्योंकि टेंजेंट बना रहा है. क्या बना रहा है? Tangent. देखो ये मान लो ये वन, वन तो टच ही नहीं कर रहा है, तो इग्नोर करो. टच करें टू और थ्री, थ्री नीचे और ऊपर दो जगह कट करा है, मगर टेंजेंट कहीं नहीं बना रहा. और जो सेकंड वाला है वो प्योरली 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है. तो दिस इज माय प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, और यू कैन से इक्विलिब्रियम. दिस इज प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि यहां पर क्या होता है बच्चों. देखिए ऐसे छोटे छोटे चैप्टर भी ना एक एक दो दो नंबर लेकर घूम रहे हैं, तो इनकी वेटेज है. एक क्वेश्चन तो मतलब कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट एक नंबर तो फिर भी आएगा इसमें से क्वेश्चन, और इसमें से एक नंबर एक आप मेरे को लगता है इसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तब भी ले लोगे आप एक नंबर. सही कह रहा हूं? चलिए चैप्टर होता है समाप्त. जय श्री राम, जय माता. हां जी.